कॉर्बेट और उसके आसपास के वन क्षेत्रों में बाघ बढ़ गए हैं, जिसके चलते ये बाघ खुलेआम सड़कों पर भी टहलते हुए नजर आते हैं। आज सुबह 7 बजे गर्जिया मंदिर के पास नेशनल हाईवे से लगे गेट के पास बाघ घूमता हुआ नजर आया। सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं। अब कॉर्बेट प्रशासन पेट्रोलिंग की बात कर रहा है, जिससे किसी भी घटना से बचा जा सके। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चूंकि हाल के दिनों में बाघ की संख्या यहाँ पर बढ़ी है कॉर्बेट में, लिहाजा अब रिहायशी इलाकों में भी बाघ की चहलकदमी देखने को मिलती है। ऐसे में आप देखिए, आज सुबह सुबह की तस्वीर है, जब गेट के पास, गर्जिया मंदिर के गेट के पास ये बाघ रोड क्रॉस करता हुआ नजर आया, और इस दौरान ये तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हो गई हैं, जिसके बाद वन विभाग ने इसका संज्ञान लिया है और पेट्रोलिंग बढ़ाने की बात कही गई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रामनगर से, जहां पर बाघ की चहलकदमी देखने को मिली है। दरअसल यहां पर कॉर्बेट में बाघों की संख्या हाल फिलहाल में बढ़ी है, हाल फिलहाल के दिनों में, और इसके चलते ही बाघ खुलेआम सड़कों पर टहलते हुए नजर आ जाते हैं। कई बार रिहायशी इलाकों में भी उनकी चहलकदमी देखने को मिलती है। इसी क्रम में आज सुबह 7 बजे गर्जिया मंदिर के पास नेशनल हाईवे पर लगे गेट के पास ये बाघ घूमता हुआ नजर आया। और गौतम बुद्ध नगर शिक्षा विभाग की तरफ से कार्रवाई हुई है, बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे 32 कोचिंग सेंटर